सारे जमाने को तो आज सिर्फ एक ही बात से गरज थी कि मीरा कहाँ है, खान मुस्लिम की बीवी कहाँ है। जैसे मरियम और नौरेज के निकाह से कहीं ज्यादा ये बात अहम थी कि मीरा मौजूद नहीं है। हद है किसी बात की। और ये तुम दोनों ने इतनी जल्दी कैसे कपड़े बदल लिए, क्यों? जहर लग रहे थे मुझे, जोड़ा बहुत भारी था। जोड़ा भारी था या तुम्हारी तबीयत पे भारी गुजर रहा था? एक ही बात है। कहाँ है सब लोग? मुर्तसिम अपनी बीवी के जाने के गम में चला गया। और अनवर? वो सो गए हैं शायद। क्या करे बेचारा, बेटी के हाथों शर्मिंदा होके बाप इसी तरह मुंह छुपा लेता है। खुदा किसी बाप को ऐसी शर्मिंदगी से दोचार ना करे। तुम्हारे घर छोड़ के जाने की गलती को जिस तरह मीरब ने बढ़ावा दिया है ना, तोड़ के रख दिया उसने मुझे। बोझ है मेरे दिल पर, वक्त से पहले बूढ़ी हो गई हूं मैं। मैं सलमा बेगम, जो लोगों की औलादों के फैसले करती हूं, आज अपनी औलाद के हाथों मजबूर हो गई हूं। और तुम कितनी बदनसीब दुल्हन हो मरियम, जिसका बाप नहीं है और उसका भाई उसके सर पे हाथ रखने को तैयार नहीं, और माँ भी उसे दुआ देके रुख्सत करने के हक में नहीं है। अफसोस है तुम पर। ठीक है माँ, मैं हो जाऊंगी रुखसत आपकी बद्दुआओं के साथ, मगर मेरी एक शर्त है। अच्छा, तो अब तुम शर्त रखोगी मेरे सामने? अगर आप चाहती हैं कि मैं नौरेज के साथ खुशी खुशी रुखसत हो जाऊं, तो आपको माननी पड़ेगी यह शर्त। माँ सुन ले, क्या शर्त है तुम्हारी? वैसे तो तुम मेरे लिए मर ही गई हो, और मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश सुन लेनी चाहिए। बोलो क्या शर्त है? मैं तभी इस घर से रुखसत होंगी जब मीरा भी इस घर में आएगी। अच्छा, और मैं अगर ऐसा ना करूं तो? तो मैं नौरेज को कॉल करके सब कुछ सच सच बता दूंगी। मरियम, ये क्या बात कर रही हो तुम? बिल्कुल नामुमकिन है। और मीरब किस मुंह से इस घर में वापस आएगी? तू गया, तू मुझे धमकी दे रही हो। माफ कीजिएगा मां, धमकी नहीं है, ये शर्त रख रही हूं आपके आगे। और प्लीज मुझे इस शर्त में जीतने मत दीजिएगा। मरियम, और हाँ मां, दरवाजों पे ताले लगवा दीजिए।
कहीं इस बार मैं अकेली ना भाग जाऊं। तुम अपने और मीरब दोनों के साथ गलत कर रही हो। कैसे हो कस? ठीक नहीं हूं भाभी बेगम। हां, जो कुछ मीरब ने किया उसके बाद तुम ठीक हो भी नहीं सकते। आप भी मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। मीरब ने जो किया सो किया, लेकिन जिसके लिए किया वो तो आपकी अपनी बेटी है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मरियम ने ऐसा क्यों किया? अच्छा, तो अब मरियम सिर्फ मेरी बेटी रह गई है, तुम्हारी कुछ नहीं लगती? वो तो मेरे मरहूम दोस्त की बेटी है, लेकिन मीरब तो आपका अपना खून है। हाँ, इसी बात का तो अफसोस है कि अपना ही खून दगा दे गया। जानते हो ना मीरब ने क्या किया? मरियम को इस घर के दुश्मन के साथ भगाने की कोशिश की। हमारे खानदान की इज्जत को दागदार किया। इसीलिए आपने उसे घर से निकाला था? मैंने उसे घर से नहीं निकाला, उसका अपना शौहर उसे हाथ पकड़कर उसके बाप के घर छोड़ के आया है। तुमसे कहा था कि ऐसा कुछ मत करना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। मैं तुम्हारी मर्जी की आजादी मुबारक। अपनी शर्ट वापस ले लो। क्यों? क्योंकि ये ना पूरे होने वाली शर्त है। क्योंकि तुम ऐसा चाहती। और माँ बेगम भी, मुर्तसिम भी, और अब तो तुम भी जा रही हो। हाँ आया, मैं तो जा रही हूँ उस घर से, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बुरी नीयत के साथ ही सही, लेकिन तुमने मेरा एक बहुत अच्छा काम कर दिया। नौरेस को ये कह के कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ और उनके इंतजार में बैठ रही हूँ, मैं उनकी मनपसंद तो बन गई। लेकिन तुम जिससे मोहब्बत करती हो ना, अफसोस के साथ उसके दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगे। बनाऊंगी जगह एक दिन, और करूंगी राज उसके दिल पर और इस घर पर भी। ख्वाब में तो ऐसा हो सकता है, हकीकत में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुर्तसिम भाई के दिल पे तो मीरब का राज है। और मीरब ने वो जगह अभी तक खाली नहीं छोड़ी। मीरब यहां नहीं है,
और ये तुम्हारी बेकार की शर्त से भी वो वापस नहीं आएगी। देखा नहीं, मुर्तसिम उसे खुद छोड़ के आया। आएगी वो वापस, माँ बेगम उसे कभी वापस नहीं आने देंगी। माँ बेगम ही उसे यहाँ पे लाएंगी। वो नहीं आएगी वापस। अच्छा, फिर भी मुझे लगता है भाभी बेगम के आपने मीरब के साथ ज्यादती की है। ये एक बाप बोल रहा है। जी नहीं, मैं आज यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, एक वकील की हैसियत से आया हूं। अच्छा, तो गया तुम्हारी बेटी अब हम पर मुकदमा करेगी और हमारा खानदानी वकील हम पर जिरा करेगा। क्या बात है। मीरब तो आपकी अपनी बहू है, उसका वकील हूं मैं। अच्छा, तो अब तो जिरा बहुत सख्त होगी। और मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम मुकदमा जीत भी जाओगे क्योंकि तुम वकील बहुत अच्छे हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मीरब कसूरवार ठहरी तो सजा के तौर पर उसे अपने घर पे ही रख लेना। यहां वापस भेजने की कोशिश ना करना, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसी बहू जो घर की इज्जत को दागदार करे। इस घर की बहू बेटी को भगाए अपने दुश्मन के साथ, अपने शौहर को मजाजी खुदा ना माने और अपनी सास को किसी खाते में ना रखे। ऐसी बहू का हम क्या करेंगे जो अपने बाप को भी अपना बाप ना समझे। और ऐसी बेटी के तुम वकील बन गए हो। भाभी बेगम, आप मरियम को बुलाइए, मैं उससे कुछ सवालात पूछना चाहता हूं। मरियम ने गलती की लेकिन मीरब ने उसे उकसाया, ये बात मत भूलो। अभी पता चल जाएगा। मरियम, जाओ हाजरा, मरियम को बुलाकर लाओ। बैठ जाओ वकास। अभी नहीं बैठ सकता, वकील तभी बैठता है भाभी बेगम जब वो अपना मुद्दा बयान कर ले। सोच लो, मेरे पास गवाह भी हैं और सबूत भी। अक्सर गवाह और सबूत झूठे साबित हो जाते हैं और ये काम एक वकील से ज्यादा अच्छी तरह और कौन कर सकता है। मरियम बेबी जी, वो वकास खान नीचे आए। मीरब आ गई। तभी इस घर से रुखसत होंगी जब मीरब इस घर में आएंगे। अच्छा, और मैं अगर ऐसा ना करूं तो? मैं नौरेज को कॉल करके सब कुछ सच सच बता दूंगी। तो गया तुम मुझे धमकी दे रही हो। माफ कीजिएगा मां, धमकी नहीं है, ये शर्त रख रही हूं आपके आगे।
और प्लीज मुझे इस शर्त में जीतने मत दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो। खुदा तुम्हें दुआओं के साए में रुखसत करे। मरियम, मैं आज तुमसे कुछ सवालात पूछने के लिए आया हूं। क्या तुम मुझे उन सवालात के सच सच जवाब दोगी? क्योंकि आज तुम्हारे दिए हुए सवालों के जवाब मीरब के किरदार को इन सब लोगों की नजर में साफ करेंगे। इतनी उदास क्यों लग रही हो? नाराज हो? अरे तुम नाराज क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी भाभी बनने के लिए राजी हूं मैं। मीरा, मुझे आपकी समझ नहीं आती। मजे की बात यह है कि आजकल खुद मुझे अपनी समझ में नहीं आती। जब आपको मानना ही था तो ये सब ड्रामा क्यों किया? ड्रामा? ये सब तुम्हें ड्रामा लगता है? जो तुम्हें ड्रामा लग रहा है ना, मेरे लिए जंग थी। ऐसी जंग जिसमें मैंने सरवाइव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम पे ऐसा वक्त आया ना तो तुम्हारे साथ खड़ी होंगी मैं। मेरा मुझ पे ऐसा वक्त क्यों आएगा? बुरा वक्त ना बता के नहीं आता। जी तो फिर बोलो, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। क्या तुम्हें और मलिक जुबैर को मीरब ने मिलाया था एक दूसरे से? वकास, ये क्या हो रहा है? चिरा, चिरा है। मरियम, तुम मेरी तरफ देखकर जवाब दो और किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मीरम ने नहीं मिलवाया था। तुम और मलिक जुबैर कब से रास्ते में हो? वकास, मुझे ये सब बहुत नागवार गुजर रहा है। मेरी बेटी कल से होश में नहीं आई, मुझे भी नागवार गुजर रहा है। तरह रात को उसे घर से निकाल बाहर करना। बोलो मरियम, जवाब दो। 8 महीने से। मीरब को कैसे पता चला? मलिक सुबैर मुझसे मिलने आते थे घर में रात को। कहाँ थी तुम? मरियम,
क्या हुआ मरियम? पेपर्स हो रहे हैं ना उसके, तो वो एक फिका पूछने के गई थी। जाग रही है? पेपर्स हो रहे हैं ना उसके। ऐसा करते हैं कि हम लोग कॉफी बनाने चलते हैं। मरियम की कॉफी? वो तो सो गई होगी। सो गई होगी, अभी तो तुमने कहा कि वो पढ़ रही है। उसे कॉफी के लिए मना कर दिया था। कहाँ रह गई थी तुम? मैं मरियम के पास चली गई थी। मरियम के पास क्यों? उसे बताने के लिए कि वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए। तुम्हारा साथ मीरब ने क्यों दिया? क्योंकि मैंने ही वादा लिया था मीरब से। कैसा वादा? जरा जरा खुलकर बताओ। मैं जानती थी कि मेरी और अनस की शादी होना मुमकिन नहीं है। अनस? जी, तब मैं नहीं जानती थी कि मलिक जुबैर अनस है। उसने मुझे यही बताया था कि उसका नाम अनस है। फिर क्या हुआ? बोलो। फिर एक रात जब मैं भाग रही थी तो बस जज साहब प्लीज। मुर्तसिम खान, तुम्हारा फैसला मीरब को नहीं बचा सकता। आज मैं उसे और उसके किरदार को बचाने के लिए आया हूं, तो आज सुन लो। कर जा रही थी और तुम्हें किसने रोका? मीरब ने। क्या तुम्हें मीरब ने कभी भागने पर उकसाया, बहकाया? कभी नहीं, उन्होंने हमेशा मना किया। तो फिर मैंने मीरब से वादा लिया था कि वो मेरी और अनस की शादी को मुमकिन करे। और बताओ फिर क्या हुआ? पर मीरब ने बहुत कोशिश की, सबसे बात की, जो भी मुमकिन हो सका उन्होंने किया, लेकिन ये मुमकिन ना हुआ। प्लीज, उसने मुझे हमराज बनाया है, इस बात को आम मत करो। उसने मुझ पर भरोसा किया। ठीक है, तो फिर बात खत्म। ना तुमने मुझे कुछ कहा, ना मैंने कुछ सुना। उसकी शादी इस महीने के आखिर में नौरे से होगी। जिससे मैं एक दफा उस लड़के से मिल तो लो तुम। मिल चुका हूँ नौरे से, बहुत अच्छा लड़का है। बस मेरा। और प्लीज तुम इस सारे मामले से दूर रहो। मैं किसी को भी किसी किस्म की कोई सफाई पेश नहीं करूंगा। मैंने भागने का फैसला लिया। तो आखिर में जाकर मीरब ने तुमसे ये कहा होगा कि तुम भाग जाओ? बिल्कुल भी नहीं। मीरब तो मुझे आखिरी वक्त तक रोकती रही,
मतलब ये कि अगर मीरब ना होती तो तब भी तुम भागती? इसके अलावा कोई चारा नहीं था। मरियम, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। मतलब ये कि अगर मीरब तुम्हारा साथ ना देती तो भी क्या तुम भागती? जी। ना तुम मलिक जुबैर को जानती थी, ना मीरब, ना तुमने उसे देखा था और ना मीरब ने। मलिक जुबैर ने तुम्हें ट्रैप किया जानबूझकर। ताकि मुर्तसिम खान से दुश्मनी का बदला ले सके। अच्छा, तुम्हारी अनवर से बात हुई क्या? जी, जुबैर गिरफ्तार है, पुलिस सवाल जवाब कर रही है। बहुत अच्छा हुआ, मलिक जुबैर जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। एक और बात बताइए अनवर चचा ने, जुबैर ने गिरफ्तारी से पहले धमकी दी है। धमकी? क्या क्या मतलब? कि वो बदला इस घर से लेगा। अल्लाह ना करे, मेरे खानदान की बहू बेटियों की इज्जत मलिक जुबैर के शर से अल्लाह महफूज रखेगा इंशाल्लाह। यानी इस केस में अगर कोई गुनाहगार है तो सिर्फ और सिर्फ मलिक जुबैर, ना तुम और ना मीरब। तो फिर तुम्हें और मीरब को इसकी सजा क्यों मिली? अभी बेगम, आप हमेशा मेरी तरबियत को बुरा भला कहती हैं। आज आपकी तरबियत ने आपकी बेटी को इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर कर दिया। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैंने इसे कहा है भाग जाए घर से? इसे आपने वो सब कुछ नहीं दिया जो एक बेटी को देना चाहिए। एतमाद, अपना भरोसा जो मैंने मीरब को दिया ताकि वो मुझसे कोई बात ना छुपाए, दिल की हर बात कह सके। आपने अपनी बेटी को सिर्फ डराकर रखा, अब देख लें कि डराकर और सहमाकर रखने का नतीजा क्या होता है। मैंने मीरब को आजादी दी ताकि वो सही को सही और गलत को गलत कहे, हक के लिए आवाज उठा सके, अच्छे और बुरे में फर्क रखे, किसी कमजोर का सहारा बने, किसी के काम आ सके। ये है मेरी तरबियत। ये है आपकी तरबियत।
और मुर्तसिम खान तुम क्या समझते थे कि मीरब लावारिस है? जिस तरह तुम उसे मेरे दरवाजे पर फेंक कर गए, क्या लगता था तुम्हें कोई नहीं है उसका? हाँ, और अनवर खान तुम तो उसके सगे बाप थे। बाप सिर्फ एक नाम नहीं होता, बाप कहलाने से पहले बाप बन के दिखाना पड़ता है। अच्छे बुरे दुख सुख में चाहे कोई भी सामने हो, औलाद का साथ देना पड़ता है। तुम्हारे सामने सब उसे बेइज्जत कर रहे थे और तुम खामोश देख रहे थे तमाशा। तुम तो उसके सगे बाप थे ना। और भाभी बेगम, आपने मुझे फोन पर कहा कि निकाह पर मत आओ, अब मैं अपनी मीरब को अपने पास रखूंगा और आज के बाद मैं कभी यहां दोबारा नहीं आऊंगा और ना ही कभी मीरब को यहां आने दूंगा मैं। बहुत अच्छा किया भाभी बेगम, बहुत अच्छा किया आपने उस वक्त मीरब को वकास की गोद में डाल दिया, क्योंकि आज एक मुंह बोला बाप अपना हक और फर्ज सगे बाप से ज्यादा अदा करके गया है। ना मैं उस वक्त मीरब को अपना सका और ना आज उसको बचा सका।
जी तो चाहता है कि तुम्हें ऐसी सजा दूं जो आज तक किसी मां ने अपनी बेटी को नहीं दी होगी। तुम्हारी मां हूं इसलिए तुम्हें यह बद्दुआ भी नहीं दे सकती कि तुम्हारी बेटी भी इसी तरह तुम्हारे दिल पे पांव रख के चली जाए जिस तरह तुम मेरे दिल पर पांव रख के इस घर से भाग गई थी। और अब तो तुम पर हाथ उठाना मैं अपने वकार के खिलाफ समझती हूं, वरना जी तो चाहता है कि मैं मारे मारे मार ले मुझे, दिल भर के मार ले, कोस ले मुझे, जो जी चाहे कर ले मेरे साथ। लेकिन नीरव, नीरव को तो वापस ले आइए, उसका क्या कसूर है? जो किया मैंने किया मेरे किए की सजा नीरव को ना दे, उस मलिक जुबैर के किए की सजा तो नीरव को ना दे। नीरव बेकसूर है मां, उसका कोई कसूर नहीं है। समझाती रही मुझे, आखिरी वक्त तक कहती रही कि इस तरह रात के अंधेरे में भागना सही नहीं है। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी उसकी मोहब्बत की, मैं अंधी हो गई थी। मां मेरे का तो कोई कसूर नहीं है इसमें।